अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हम ना के किचन में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 बैंगन लिए हैं। बैंगन मैंने ऊपर वाले हिस्सा जो है ना वो कटिंग कर लिया था। एक बैंगन के मैंने 3 स्लाइसिस कट कर लिए और इनको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। जिस तरह आपने बैंगन के स्लाइसिस कटिंग करने हैं, सेम इसी तरह आपने आलू के स्लाइसेस भी कटिंग कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनती है। ये देखें जी, आलू भी मैंने सेम बिल्कुल उसी तरह क्यूब्स में कट कर लिए बैंगन की तरह। अच्छा, तमाम सब्ज़ी जो है ना हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। बैंगन को कट करके आपने पानी में डाल देना है, क्योंकि पानी में नहीं डालेंगे तो बैंगन जो है ना उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए आप फ़ौरन ही उनको पानी में डिप कर दीजिए, इससे उनका कलर जो है ना चेंज नहीं होता। आलू भी कटिंग करके आप पानी में डिप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस ऐसे ही 1 मिनट आपने इसको जो है ना वो इसकी खुशबू आने तक इसको पकाना है। और फिर उसके बाद मैंने 1 प्याज कटिंग कर ली थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए। प्याज को हम जो है ना हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ हमारी प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम जो है ना ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसकी खुशबू आने तक हम इसको पकाएंगे। जब आपको लगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो खुशबू आने लग गई है, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि कुकिंग का प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। इस तरह जो है ना वो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून जो है ना हम इसमें हल्दी ऐड कर दी। हल्दी तो बहुत मस्ट खानों में डाला करें, ये जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया ऐड किया। धनिया हमेशा मैं आपको कहती हूँ तो ज़्यादा डाला करें। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इससे इसके साथ ही हम जो है ना इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। और मैंने जो है ना 2 टमाटर जो है कटिंग करके रख दिए हैं। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यह मसाला जो है हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डाल के आपने इसको थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है, ताकि टमाटर जो है ना वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी डाल के टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना और मसाला जो है ना आपने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो आलू बैंगन हमने कटिंग किए थे वो इसमें तमाम ऐड कर देंगे। तमाम आलू बैंगन ऐड करके आपने थोड़ी फ्लेम जो है ना वो बढ़ा देनी है और इसको हाई फ्लेम पर स्टार्टिंग में पकाना है। जब आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंगन जो है ना वो अपना पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर देते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही ड्राई सब्ज़ी बनानी है तो फिर आपने हल्का सा इसमें जो है ना वो पानी ऐड करके इसको आलू जो है ना वो जब हमारे कुक हो जाएं तो फिर इनको आपने भून लेना है। मैंने थोड़ा सा पानी में बैंगन आलू को फ्राई करके मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। और इस दौरान आपने चम्मच हिलाते रहना। 5-10 मिनट के बाद देखें हमारे आलू भी कुक हो चुके हैं और हमारे बैंगन भी अच्छे से गल चुके हैं। बैंगन तो जल्दी गल जाते हैं, आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ हमारी सब्ज़ी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें एंड पे ऐड कर दी थी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।